जीनत गुमा से बाहर आ रही है। जी अम्मी, और अब तक मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया, मुझे अपना वादा पूरा करना होगा जल्द से जल्द। तुम्हें आज भी वो वादा याद है? जिस वादे को पिछले 7 साल से जी रहा हूं, उसे भूलूंगा कैसे? इजाजत। कहां जा रहे हो? जीनत से नजरें मिलाने। डॉक्टर, आपने तो कहा था कि ये बेटर हो रही है, लेकिन ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही। मिस्टर चौधरी, ये कोई छोटी बात नहीं है। 7 साल में पहली बार आपकी वाइफ ने पलकें झपकाई हैं। डॉक्टर, क्या ऐसा एहसास है मेरे यहां होने का? क्या ये मुझे पहचान सकती है? ऑफ कोर्स, ये पहचान रही होंगी। इन आंखों को मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। इनमें मेरा अक्स होने के बावजूद ये आंखें खाली हैं। मेरा वादा पूरा होने को है जीनत, लेकिन इसे देखने के लिए तुम्हें वापस आना होगा। मैं टाटा बिरला की तरह रईस नहीं बन सकता। साहिर, आप एक आर्टिस्ट हैं। तस्वीरों में आप रंग भरिए, शायरी कीजिए। ये जो बिजनेस है ना, आपसे नहीं होगा। ओके, मैं इंडिया के top 10 रईसों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा के रहूंगा। वादा है मेरा। अस्सलाम वालेकुम साहिर साहब, कैसे हैं? लखनऊ में कारखाने वाले काम के बाद तो आप इस खाकसार को भूल ही गए। रवान साहब, वक्त बहुत कम है और काम बहुत बड़ा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी डील को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। हाँ, काम हो रहा है साहिर साहब, ऐसी भी क्या बेसब्री है। मैंने कहा ना, वक्त बहुत कम है। मैंने किसी से वादा किया है और ये वादा टूट नहीं सकता। साहिर साहब, अभी तक सिंगापुर की पार्टी ने डील के लिए कंसेंट पेपर भेजे नहीं है। रहमान साहब, हमें वक्त की रफ्तार से तेज चलना होगा। ये डील जल्द से जल्द फाइनल हो जानी चाहिए। तू मेरे लिए क्यों रुक गई आरजू? तुम भी सबके साथ हाजी अली चली जाती? अम्मी, आपको तो पता है हमें ऑफिस जाना है और आपके पास रहना भी तो जरूरी है।
अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो हमें मैसेज कर दीजिएगा। नहीं क्यों फोन कर रहे हैं? एक बार तो मुझे बात करने दे, नहीं तो क्या अम्मी? वो यहाँ आकर सबके सामने हंगामा कर देंगे, ऐसा ही कह रहे थे वो। अम्मी आप बिल्कुल टेंशन बाज मत बनिए, उन्होंने यहाँ आना है ना, उन्हें आने दीजिए। जब वो यहाँ आएंगे तो आप हमें खबर कीजिएगा, हम पुलिस कंप्लेंट करवाएंगे। और एक बार वो हवालात की हवा खाएंगे ना तो अल्लाह कसम सारी की सारी तमीज सीख जाएंगे। अम्मी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हमारे होते हुए आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम आपसे दो कदम ही तो दूर है, अगर कुछ भी होगा तो आप हमें जरूर बताइएगा। ऐसे सर हिलाने से कुछ नहीं होगा, खाइए हमारी कसम। आरज़ू ये क्या बचपना है? बचपना है तो बचपना ही सही, पर आपको हमारी कसम खानी होगी। खाइए हमारी कसम कि अगर कुछ भी होगा तो आप हमें जरूर बताएंगी। तुम्हारी कसम। आप हमारी बात मानते हुए कितनी क्यूट बाज लगती हैं। अम्मी हम चलते हैं। रहमान साहब मुझे रिजल्ट चाहिए, एक्सक्यूज नहीं। आप हमारी अम्मी को धमका रहे हैं कि आप यहाँ आकर हंगामा खड़ा करेंगे। सरफराज साहब याद रखिएगा कि आप आइए मगर हम भी पुलिस को बुलाने में देर नहीं लगाएंगे। क्या तुम अपने बाप को जेल भिजवाओगी? जी नहीं, हम आपको जेल भिजवाएंगे। अरे लेकिन मैं ही तो तुम्हारा बाप हूँ। जी नहीं, आप सिर्फ हमारी अम्मी के शौहर हैं। बाप होने के लिए बहुत सारे फर्ज निभाने पड़ते हैं सरफराज साहब। ये बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और तुम मुझे जेल भिजवाओगी? लेकिन तब क्यों नहीं बुलवाई जब मैंने तुम्हें तुम्हारे घर से बाहर फेंकवाया था? और हाँ, ये धमकियां किसी और को देना, तुम मानो ना मानो लेकिन एक बात सच है, मैं तुम्हारा हर चीज में बाप हूँ। अगर हम अपनी पर आ गए ना तो बाप खुदा अच्छा नहीं होगा। अगर मैं अपनी पर आ गया ना बाप खुदा अच्छा नहीं होगा। याद रखो कि तुम सैयारा में एक इंटर्न हो, तुम्हारी सैलरी 20,000 रुपए है और तुम मेरे आउटहाउस में रहती हो। ये याद रखो कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं। गो 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 अवे। दोनों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड समझ नहीं आया? क्या हुआ आरज़ू? What were you doing? चलो काम करते हैं। कम लिंडा जी, आज हम आपकी डेस्क पे बैठ जाएं प्लीज। इट्स नॉट अलाउड। प्लीज लिंडा जी। ओके। Thank you.
लिंडा तुमने किससे पूछ के अपनी पोजीशन चेंज की? मैं कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। तुमने किससे पूछ के अपनी पोजीशन चेंज की? हमने किया है, आपने ही तो कहा था। मैसेज आया है, वो घर पर आ रहे हैं। प्रिस्क्रिप्शन का है? हाँ साहिर, बोलो। डॉक्टर खुराना, आप नौशीन खान नाम की पेशेंट को जानते हैं? वो बेहोश हो गई है, क्या करना है? देखो, उनकी किडनी वीक हो गई है और उनका हार्ट भी वीक है। उनको कार्डियक अरेस्ट से बचाना है। आप ऐसा करो साहिर कि उनके गाल पर हल्की सी थपकी मारो और देखो कि वो रिएक्ट कर रही है कि नहीं। डॉक्टर, नो रिएक्शन। ओह नो, शी इज सिंकिंग। शॉक देना होगा। यू हैव गॉट ओनली 30 seconds साहिर। आपकी तबीयत ठीक तो है? सब खैरियत तो है ना अपी? अभी तो सब ठीक है। अब लेकिन क्यों, क्या हुआ था अपी? साहिर बेटा, मैं अंदर आऊं?
नहीं बेटा, मैंने अपने खुदा से वादा किया था कि जिस रोज जीनत के ठीक होने की खबर मिलेगी उस दिन ये कुर्ती आपा एक टांग पे नाचेगी। 7 बरस से हमारी जीनत सोई हुई थी और उसके साथ इस घर की सारी खुशियां भी। लेकिन बेटा आज आज इस घर की खुशियां अंगड़ाई ले रही हैं। अल्लाह के करम से हमारी बच्ची जल्दी से ठीक हो जाए। ये कुर्ती आपा रोज रोजा रखेगी। तुम कितने अच्छे हो साहिर, तुमने 7 बरस जीनत का इंतजार किया। 7 बरस, तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का दूसरा निकाह पढ़वा चुका होता। अल्लाह तुम्हें सारी नेमतें दे, सारी खुशियां दे। खुश रहो बेटा, आबाद रहो। नौशीन को गोद में उठाकर इस कमरे में लेकर आया और दादी अम्मी की देखभाल भी की और डॉक्टर के कहने पर शॉक भी दिया। गब्बर चौधरी ने? आई विश दादी, काश मैं बीमार पड़ती। हट, बीमार होने की तो उम्र मेरी है। सुभान अल्लाह। आरजू, क्या बात है बेटा, क्या सोच रही हो? दादी, पहले नवाब, राजा, महाराजा लोगों को कोड़े मारने की सजा देते थे ना? हाँ बेटा, पर तुम पूछ क्यों रही हो ये सब? बस ऐसे ही ख्याल आया, बहुत दर्द होता होगा ना? हाँ बेटा, दर्द तो होता ही होगा। मेरी सास, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत बख्शे, बताया करती थी कि उनके मोहल्ले में एक आदमी को अंग्रेज ने इतना कोड़ों से मारा, इतना मारा कि जो लोग देख रहे थे उनकी आंखों से भी आंसू निकल आए। बेचारा 2 दिन तक तो दर्द से चिल्लाता रहा और 15 दिन तक उसके बदन से निशान नहीं हटे। बेटा, शुक्र है अल्लाह का कि अंग्रेजों का जमाना ही खत्म हो गया। अप्पी का एक्सप्रेशन देखा, ऐसा लगता है कि अप्पी के पीठ पर ही कोड़े पड़ रहे हैं। अरे चुप करो, घोड़े पड़े आरजू के दुश्मनों की पीठ पर। हाँ, मेरी सास बताया करती थी कि उनके मोहल्ले में एक आदमी को अंग्रेज ने इतना कोड़ों से मारा, इतना मारा कि जो लोग देख रहे थे उनकी आंखों से भी आंसू निकल आए। बेचारा 2 दिन तक तो दर्द से चिल्लाता रहा और 15 दिन तक उसके बदन से निशान नहीं हटे। बेटा, हेलो जी, हम आरजू खान बोल रहे हैं। ओह हाय आरजू, अब आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है? अम्मी की तबीयत एकदम ठीक है। वो दरअसल आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। अगर किसी ने अपनी पीठ पर खुद चोट पहुंचाई हो तो उसे कौन सी दवाई देनी चाहिए? आप पेशेंट को लेकर मेरे पास आ जाओ, मैं इंजरीज चेक कर लूंगा और मेडिसिन दे दूंगा। पेशेंट आपके पास नहीं आ सकते। ओके ठीक है, मैं एक मलहम बता देता हूँ, आप उसे लगा देना। थैंक्स डॉक्टर। ओके आरजू, बाय। ये क्या हो रहा है कुर्ती आपा? मछली बाजार समझ रखा है क्या? अरे हाँ, आपने जीनत की खुशखबरी नहीं सुनी क्या? हाँ, खबर मिली मुझे। हाय,
फिर भी आप खुशी से दीवानी नहीं हुई, उल्टा मुझे तो आपके चेहरे पे डर दिखाई दे रहा है। हाय, मैंने तो सोचा था हम दोनों साथ में मिलके नाचेंगे, लेकिन लगता है डर की वजह से ना आपके पाँव में बेड़ियां पड़ गई हैं। बेड़ियां वो किसी ने बहुत सही कहा है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मान जाइए बेगम, अब वो आपकी लखनवी बकरी इस घर के आंगन में नहीं बन सकती, मान जाइए ना। कुर्ती आपा, आप बहुत ज्यादा उड़ रही हैं, गिरेंगी तो तकलीफ होगी। तकलीफ तो 7 बरस पहले थी बेगम, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। बहुत जल्द मेरी जीनत ठीक हो जाएगी और उसके ठीक होते ही साहिर और आरजू की नजदीकियों के आपके जितने भी ख्वाब थे वो सारे के सारे बिखर जाएंगे बेगम। हार मुबारक। मैंने कहा हार मुबारक हो बेगम। कुर्ती आपा, अलवीरा को हारने की आदत नहीं है। जीनत का ठीक होना या ना होना वो तो अल्लाह के हाथ में है। आरसू और साहिर का नजदीक आना मेरे हाथ में। चिंगारी तो अब लग चुकी है, बस अब उसमें थोड़ी सी हवा देना बाकी है। मैं आरजू को साहिर की बीवी बनने से पहले इस घर में ले आऊंगी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को देख सके, एक दूसरे के नजदीक रह सके। कुर्ती आपा, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.